एसबीआई को टेस्ट करने का होपफुली आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जीमेल के साथ अकाउंट बना सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च फॉर न्यूज़ आर्टिकल्स में आ जाते हैं, और ये इसका पैटर्न है। ये कह रहा है क्यूरी, ये बेसिकली सर्च क्यूरी है। यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे, ये डेट है, सॉर्ट है और एपीआई की चाहिए। उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं हम? सोर्सेज है, ओके, इसमें भी चले। सोर्सेज का हमारे पास है, हमें ये एक चाहिए, इसमें वो नहीं है हमारे पास। ऑथर वगैरह का काम नहीं है यहाँ पे, बाकी होपफुली मेरा काम चल जाएगा। यूआरआई चले वो है सही, लेकिन ये नहीं कंफर्म कि उसके साथ मैच करेगी कि नहीं करेगी। स्टार्ट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनेगा और वो होगा न्यूज़ API.org, ये। और इसमें बेसिकली ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, गेट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़ API.org, ये आ गई हमारे पास रिक्वेस्ट। और उससे पहले आर्टिकल्स लेने से पहले गेट टॉप हेडलाइंस है, ये नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, ऑथेंटिकेशन में, ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है, एपीआई और ये कीवर्ड एवरीथिंग दिस। ये काफी सिंपल एपीआई लग रही है। एंड पॉइंट्स, कुछ एंड पॉइंट्स हैं इसके, इतने सोर्सेस के एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सोर्सेस चलो हम वो टेस्ट कर लेंगे। गेट सोर्सेस फ्रॉम न्यूज API.org, इसको ये किया, ये आ गया। और यहाँ पे हमने एपीआई करनी है, यहाँ पे हम इसका नाम यूज करेंगे और ये एपीआई है इसकी। आप अपनी एपीआई की ले सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी हम मेंशन कर सकते हैं, लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं, कंट्री मेंशन कर सकते हैं, दैट्स इट। और बस यही है, कंट्री में लगा देता हूँ, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते होंगे क्योंकि ये चाहिए नहीं। लैंग्वेज हम बाय डिफॉल्ट इंग्लिश कर देंगे, यूज़र को इस चीज़ की अभी एबिलिटी नहीं देंगे, बाद में देखेंगे अगर इसकी एबिलिटी देनी होगी तो। और उसके अलावा कैटेगरी जो है ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे पास बेसिक से ऑप्शन है, उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको खाली रहने दूंगा। और रिक्वेस्ट पैरामीटर्स सोर्सेस ये है, इंग्लिश, ये वो, कंट्री और दिस, हिट करते हैं और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये बाद में फिर मैं यूज कर लूंगा। T1, ये हमारे पास सोर्सेज हैं। अब टॉप हेडलाइंस नहीं चाहिए, एवरीथिंग चाहिए आर्टिकल, क्योंकि मुझे चाहिए जिसमें से मुझे मेनली टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसकी इसका इमेज यूआरएल, ये तीन चीजें चाहिए। और चौथी चीज चले यूआरएल भी अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या चीज है, ये पेस्ट किया क्यूरी, ये क्यू फॉर क्यूरी है, एपीए की है, एपीए की, फिर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा एपीए की आ गई। एपीए की आ गई हमारे पास, और उसके बाद क्यू है सर्च इन द फील्ड्स टू रिस्ट्रिक्ट योर क्यू सर्च द पॉसिबल ऑप्शन टाइटल दिस एंड दैट।
कंटेंट कहाँ पे? अच्छा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है जो कि बेसिकली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, और मेरे ख्याल से कंटेंट जो है ना ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ओके, इसको एंटर कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया, अभी के लिए इसको फाड़ चलाओ। सोर्सेस वंस अगेन कोमा सेपरेटेड सोर्स, ये एक जरूरी चीज है क्योंकि ये यूजर कर सकता है। कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी और ये हमारे पास रिजल्ट पहले ही है, और उसका करना क्या, हमने कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स फॉर न्यूज और ब्लॉग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कहाँ पे? मेरे ख्याल से उसकी आईडी की बात कर रहे हैं। ओके, सोर्सेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऐड नहीं करना, यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे ऐड करते हैं। लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा कि लैंग्वेज आपने डच कह दी है और सोर्स आप इंग्लिश का कह रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, तो प्लीज ये चीज माइंड करिएगा। ये हो गया, उसके बाद डोमेन्स वो नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि ये ऑप्शन है। एक्सक्लूड डोमेन्स ये नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ये स्टार्ट डेट है, ओके, इसके लिख देता हूँ स्टार्ट डेट एंड डेट। एक अलग टू स्टार्ट और एंड, और इसकी फॉर्मेट ये होनी चाहिए। चलो, वापस आ जाते हैं। लैंग्वेज में पहले ही स्पेसिफाई कर चुका हूँ, या नहीं की अभी तक, नहीं की। लैंग्वेज कर देंगे, ये हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर होगा EN, अभी यूजर को इसकी एबिलिटी नहीं देनी। और पेज साइज इसको 100, डिफॉल्ट भी 100 है तो रहने देंगे, और पेज 1। और इसके साथ ही हमें जो रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। सेंड करते हैं, सेव कर लेते हैं। ये काफी सिंपल था और इनकी मेहरबानी के ना सिंपल रखा। दैट्स इट, इमेज यूआरएल है, इमेज यूआरएल को हम उसमें इमेज में शो करवाने के लिए यूज करें जो कि अभी नहीं चल रहा। ये क्या कह रहा, पता नहीं इस इमेज यूआरएल को कैसे यूज करना है। इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, इसको रहने दो। अंदर वाले इमेज यूआरएल द यूआरएल टू डिलीव इज एलिमेंट इमेज फॉर द आर्टिकल, ओके, लेकिन इसको यूज कैसे करना है? ये तो चल गई, ये क्यों चल रही? ओके, आर्टिकल यूआरएल चल, ओके, और डोमेन ही नहीं चल रही। ठीक है, कंट्री फिर चेंज कर देते हैं, यूनाइटेड कंट्री।
करते, क्योंकि ये यूएसए की कंट्रीज हैं, शायद इस वजह से नहीं चाह रहे। कंट्री आई मेरे ख्याल से आयरलैंड है शायद। आयरलैंड, ओके, आई को ट्राई करते हैं। मैं फिर आई को ट्राई करने के बजाय मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ। ओके, कुछ भी नहीं आया। ओके, बिटकॉइन को रहने देते हैं। कुछ भी नहीं आया, ठीक। ये मेरे ख्याल से शायद इंडिया की है, होपफुली ये चल जाएगा। मुझे सिर्फ वो वाला चाहिए जिसका इमेज वाला चल रहा हो, दैट्स इट। क्योंकि अगर इमेज वाला जंप ये चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट का नहीं था चल रहा, तो उसका फिर इस वजह से फायदा नहीं। इमेज वाला अगर नहीं चलेगा तो इसका काफी नुकसान हो जाएगा। इसको ट्राई कर लेते हैं एक दफा, इसको सेव कर लेते हैं। T2 और बस इसको ट्राई करके खत्म करते हैं। अभी भी पे मूव करते हैं। यहाँ पर इसको किया सेंड, ओपन, और ये चल रहा है। बस ये वाला यूज कर लेंगे ताकि यूनाइटेड स्टेट यूज हो। दैट्स इट। या 5-6 यूनाइटेड स्टेट्स के ऐड कर देंगे, अदरवाइज सोर्सेज को रहने देंगे, देख लेंगे जैसे भी इसको फाइनलाइज करना होगा। और इसी के साथ हमारी ये APA की स्टडी भी कंप्लीट होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट APA पे, ताकि हम जल्दी से इसको खत्म कर सके और आगे मूव कर सके। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेंगे और एक नया फोल्डर ऐड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा द गार्डियंस, सॉरी द गार्डियन डॉट कॉम। ऐसे रहने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, मैं पहले डॉक्यूमेंटेशन लिखा। और ओवरव्यू, दिस साइन अप फॉर एन APA, एक्सप्लोर डाटा, दिस एंड दैट, सर्च, ये वो, टैक्स सेक्शन एडिशन। ये पे भी लगता थोड़ी मुश्किल ही होगी। ओके, कंटेंट में आ जाती है। ये कह रहा है ये हमारी कंटेंट की APA है, सर्च करो। और उसके पैरामीटर्स क्या है? स्टेटस नहीं, ये मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन है मेन के जो आ रहा है, तो इसको रहने दो। ए साइज, पेजेस, ये वगैरह वगैरह। पैरामीटर, ये पैरामीटर है APA की फॉर्मेट, जेसन, हमें जेसन चाहिए, कॉल बैक, ये पता नहीं क्या है, ये नहीं चाहिए हमें। ये क्यूरी जहाँ पे हम मतलब, और ये क्यूरी फील्ड्स, ये इक्विलेंट है लास्ट वाले की सर्च इंजन के। यहाँ पे अब फिल्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, जो कि है सेक्शन। और ये मेरे ख्याल से शायद कैटेगरी है। हाँ, ये मेरे ख्याल से सोर्सेज या कैटेगरी है, मेरे ख्याल रेफरेंस। स्टार्ट एंड एंड डेट, यहाँ पे हमारे पास ओके, ये एक एग्जांपल क्यूरी है, इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ये इसमें क्यूरी करती है, ईयर स्लेव फॉर्मेट सही है, ये नहीं चाहिए। शो टैग्स नहीं चाहिए अभी के लिए, ऑल ये हमारे पास हो गया। लेकिन इसका जो ऑथेंटिकेशन थी वो कैसे थी? ऑथेंटिकेशन ये थी कि एपीए की सबसे पहले ये ऐड कर लो और इसको ऊपर मूव कर लो। चलो यहाँ पे इसकी एपीए की मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, गार्डियन की एपीए जो की थी। और उसके बाद एक दफा इसको हिट करते हैं, देखें आता क्या। सेंड, ओके, इसको सेव कर लेते हैं और पहले इसका नाम चेंज करते हैं, गेट आर्टिकल्स फ्रॉम द गार्डियन .com API, सेव। और इसका ये T1 था। इसमें क्या क्या आया, स्टेटस, डेवलपर, टोटल, ओके ये टोटल मीन के ये जनरल डाटा है, टोटल इतने हैं, पेज पेज साइज 10, करंट पेज दिस, ओके 10 रिजल्ट्स आए हैं जिसमें ये है, फील्ड्स हैं, ये थंबनेल यूआरएल, थंबनेल यूआरएल चलता है बस चलेगा, दैट से ओके हमारा काम चल जाएगा। इसमें बस मेनली अब ये देखना है जो हमें रिक्वायरमेंट है इसकी मैच करनी है, यूजर कैटेगरी, डेट हो गई, कैटेगरी और सोर्स और ऑथर, ये तीन चीजें इसमें कैसे होंगी। यहाँ पे रिजल्ट को मेरे ख्याल से तो फॉर्मेट कर लेना शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके वापस आते हैं, एपीआई की कॉल बैक थ्योरी सिलेक्शन, नहीं सेक्शन, ये सेक्शन आएगा कैसे, ये रहा सेक्शन। उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि मुझे जो ऊपर से चीज देखनी है और मेरे लिए आसानी है। रेफरेंस रिटर्न कंटेंट विद दोस रेफरेंसेस, ये नहीं मेरे ख्याल से चाहिए। टैग, टैग्स हम कहाँ से ले सकते हैं, टैग्स ये इनको गेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। फॉर्मेट जेसन कॉल बैक क्वेरी, बस ठीक, इसको कॉपी करो और एड रिक्वेस्ट, गेट सेक्शंस फ्रॉम द गार्डियन .com API, ये है और इसमें जो चीजें हैं वो ये API की, गार्डियन की API की आ जाएगी, फॉर्मेट जेसन की आ जाएगी, क्यूरी नहीं चाहिए, सेंड और सेव।
अब इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या आया। टोटल 78 और रिजल्ट्स में मेरे ख्याल से 78 के 80 आ गए। आईडी अबाउट एनिमल्स और मतलब ये सारे आ गए। ओके और इसको जब मैंने ओके बस ये खत्म हो गया, इसका इतना ही था, इसको क्लोज कर दो। इसको सर्च कर लेते हैं क्या इसका कुछ लिखा होगा एक्सप्लेनेशन के, क्या चीज़ का नहीं लिखा नहीं हुआ। ओके यहाँ पे ऑफिस आते हैं, टैग्स में से टैग भी सर्च कर लेते हैं और उसके लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ सामने के लिए थोड़ा सा। इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से टैग्स, और मेरे ख्याल से सब टैग्स ही चेंज हो गए टैग्स। That's it. टैग सेंड करेंगे, ये हो जाएगा एपीए की फॉर्मेट कॉल बैक वेब टाइटल। ओके फिल्टर टाइप, अच्छा सेक्शन, सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, पेज साइज चाहिए। ओके सेंड, ओके टैग्स आ गए। आर्टिकल्स में वापस आते हैं, आर्टिकल में क्या शो कर रहा है वो, इसमें आके कुछ है नहीं। आर्टिकल में बेसिकली जो चीज़ चाहिए एक तो शो रेफरेंस में ऑथर चाहिए मुझे, शो रेफरेंस ऑथर ये जरूरी है। फील्ड्स में आ जाते हैं, सो शो सेक्शन कर लेते हैं, सो टैग कीवर्ड और टाइप कर लेते हैं। ओके शो फील्ड्स, उसमें मेरे ख्याल से पॉल है तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या चाहिए। हेडलाइन या टाइटल हो सकता है मुझे बेसिकली शो फील्ड्स में। हेडलाइन बॉडी थंबनेल
ठीक है, ये जो सेक्शन नेम है ये मेरे ख्याल से कैटेगरी है, जो सोर्स है वो सेक्शन नेम कैटेगरी है, और जो सोर्स है ये पब्लिकेशन, ये फील्ड में आ रहा है। बेस साइज लेट्स से 1 to 50, तो इसको 50 कर देते हैं। ओके इसको ये अभी के लिए ओके है, इसको फिर बाकी नेक्स्ट बाद में देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारी द गार्डियन की एपीआई होगी। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स एपीआई। मैं यहाँ पे इस टैब को क्लोज कर लूंगा क्योंकि चले हमारे पास एक एक टैब ऑलमोस्ट सबका ओपन है, इस पे आ जाएंगे और इनको अभी के लिए बुकमार्क भी कर लूंगा क्योंकि हमें ये थोड़ी बहुत जरूरत रहेगी इनकी। ओके यहाँ से मैं पोस्टमैन में वापस आ जाऊंगा और इसको क्लोज कर लेंगे, इसको बेसिकली कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर एक और फोल्डर बन जाएगा इसके नाम पर। नेक्स्ट पाथ्स हमारे पास, ये मेरे ख्याल से शायद सिंपल होगा आर्टिकल सर्च, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है ओवरव्यू, उसको कॉल करो आर्टिकल बाईपास ये। ओके चलो अच्छी बात है, ये सिंपल ही रहता। अच्छा स्कीमा दिस एंड दैट, ये बेसिकली स्कीमाज है। यहाँ पे ऑथराइज करवा के आई थिंक हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो कुछ होता है? अच्छा अब इस पे ये नहीं पता कि ये, चलो यहाँ पे ये बताएगा ईयर मंथ और डेट ये है। अच्छा इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट गेट आर आर्टिकल्स फ्रॉम nytimes.com API, ये जेसन। ओके ये दिस दैट सारा कुछ, और इसकी ऑथराइजेशन कैसे करवानी है? ऑथराइजेशन के लिए
ये रहा एपीए की, और इसमें न्यूयॉर्क टाइम की एपीए की मैं ऐड कर दूंगा, जो कि है हमारी ये वाली। सेंड करते हैं खाली, और ये हमारे पास आर्टिकल्स रिटर्न हो गए। दैट्स इट। इस पे जो है ये मल्टीमीडिया है, इसको क्लोज करते हैं। ये हेडलाइन है, ये कीवर्ड्स है। ओके, ओके। ये हमारे पास यहाँ पर डाटा आ गया। एक चीज अब मैं सोच रहा हूँ कि हम ना इसकी एपीआई को बैकएंड में कॉल करेंगे, लेकिन कॉल करने के बाद बैकएंड में से हम इसकी जो डाटा होगा वो सिर्फ फ्रंट एंड पे सेंड कर देंगे। बैकएंड में सिर्फ इस वजह से कॉल करेंगे ताकि जो इसकी एपीआई कीज हैं वो हम बैकएंड एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और वहां से हम इनका जो डाटा होगा ना वो एज इट इज फ्रंट एंड में भेज देंगे, और फ्रंट एंड में उनके जो होगी टाइप्स वगैरह डिफाइन करके उनको फॉर्मेट फ्रंट एंड में करके मर्ज कर लेंगे और उसको बाद में शो कर देंगे। जो फिल्टरिंग वगैरह होगी वो डायरेक्ट हम एपीएस में इनकी एपीएस में पास कर देंगे। ओके, और फ्रंट एंड पे हम बैक एंड का काम से ये होगा कि पैरामीटर जो है क्यूरी वगैरह उसको लेना, ऑप्शन फिल्टर्स को लेना, और उसकी बेस पे सिर्फ और सिर्फ इन एपीएस को हिट करके डाटा फ्रंट एंड को दे देना। फ्रंट एंड फिर उसको फॉर्मेट करके शो कर देगा। ये आर्टिकल हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे आते हैं, एपीआई कॉल हो गई है। यहाँ पे देख लेते हैं बिफोर एंड पैकेट, इसका मुझे नहीं पता ये क्या होता है। पता नहीं मेरे इस पे क्या क्लिक करने से क्या हो रहा है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको अभी के लिए हम यहीं पे रहने देंगे, और उसके बाद फिर हम जब इसको इम्प्लीमेंट करते होंगे तब इस पे और कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं एक दफा डुप्लीकेट करता हूँ, बस मैं देखना चाह रहा हूँ ये जो एग्जाम्पल है ये क्या करता है, क्योंकि तो इसके क्लिक करने पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्लिक, ओके, कुछ भी नहीं होगा, बस ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स आ गए हैं और वो हमने सेफ भी कर लिए हैं, सेफ ही किए, सेफ कर लिए। ये T1, दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपने ये देखा कि हम पोस्टमैन में एपीआई टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये देखा कि हम किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई को देखकर उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी एपीआई की गेट करके उसकी एपीआई को कैसे समझ सकते हैं, पोस्टमैन में रिस्पॉन्सेज सेव कैसे होते हैं, क्या ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स ईटीसी और ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। और हमने मेनली 4 एपीआई को स्टडी किया, जिसमें newsapi.ai इस वेबसाइट की एपीआई थी, newsapi.org इस वेबसाइट की एपीआई थी, theguardian.com इस वेबसाइट की एपीआई थी, और nytimes.com इस वेबसाइट की एपीआई थी। हमने 4 डिफरेंट न्यूज ऐप एपीआई को स्टडी किया, उनको कॉल किया, उनके जो रिस्पॉन्सेज थे उनको सेव किया, और अब हम मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एपीआई को बैकएंड कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली बैकएंड में हमारी सिर्फ सिर्फ एक एपीआई बनेगी, गेट न्यूज आर्टिकल्स या फिर स्लैश सर्च न्यूज आर्टिकल्स, एक एपीआई हम बनाएंगे जिसका काम ये होगा कि वो फ्रंट एंड से पैरामीटर्स ले लेगा, जिन पैरामीटर्स में बेसिकली कीवर्ड आ सकता है या सर्च क्यूरी आ सकता है, कीवर्ड या सर्च क्यूरी दोनों अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, दोनों में से एक यूज करेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कैटेगरी, सोर्स और ऑथर। ये जो हमने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं, मैं इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ जो ऑप्शंस हमने यहाँ पे यूजर को प्रोवाइड, और उसके बाद बैकेंड का काम ये होगा कि वो इन चारों एपीआई को बैकेंड में इंटरनली खुद कॉल करेगा लारावेल, और उसका रिस्पांस लेके उसको रिस्पांस को एज इट इज फ्रंट एंड पे सेंड कर देगा, और फिर हम उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो फ्रंट एंड पे करके उसको डिस्प्ले करवाएंगे।
बैकएंड में जो फिल्टरिंग वगैरह वाला काम, क्योंकि डायरेक्ट एपीएल लेवल पे हम फिल्टरिंग करेंगे तो वो काम बैकएंड में होगा। फ्रंट एंड उस रिस्पॉन्स को पकड़ के फॉर्मेट करेगा, मर्ज करेगा और डिस्प्ले करवाएगा, ये काम फ्रंट एंड का होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो अभी तक अगर आपने जायोंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का अलर्ट आपको मिलता रहे। वीडियोस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियोज को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.